हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों किस तरीके से आप अपने पीसी के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों वो भी बहुत आसान तरीके से। दोस्तों जो नए नए लोग जो दोस्तों कंप्यूटर से ही होता था, दोस्तों उनको नया एप्लीकेशन जैसे टीम व्यूअर वगैरह हो गया, एनएक्स हो गया, तो दोस्तों इनको जो है इंस्टॉल करने में दोस्तों काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो दोस्तों मैं उन्हीं की सुविधा के लिए दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी आसान तरीके की वीडियो दोस्तों आपके लिए लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन पर, दिखाते हैं कि दोस्तों किस तरीके से अपने जो है किसी भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों हम अब आ चुके हैं अपने कंप्यूटर पे, और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने अपने कंप्यूटर के अंदर जो है टीम व्यूअर इंस्टॉल नहीं किया, तो दोस्तों जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये बना आ जाएगा। दोस्तों इस पर अपने माउस पर राइट क्लिक करके इसके अंदर दोस्तों रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ से यस कर दीजिएगा। दोस्तों यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, यह आप डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से है शो एडवांस सेटिंग, कोई नहीं दोस्तों, अगर इस पर रखना चाहते हैं तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक ऐप का अलग अलग है। दोस्तों यहाँ से जो है मैं अपना टीम वीवर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो दोस्तों इसको टीम वीवर को हमेशा आप डिफॉल्ट पे करिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप जैसे कर लेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से जो है हमारा 100% कम्प्लीट हो गया है। देखिए दोस्तों अभी ये हमारा हो गया कंप्लीट। देखिए दोस्तों अब ये यहाँ से जो हमने जो एप्लीकेशन जो हमारा था जो हमने जो डाउनलोड किया था दोस्तों, अभी ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से आप इसको ओपन करके चला सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हम इसको ये देखिए दोस्तों बड़ा थोड़ा मैंने सिस्टम के अंदर थोड़ा टाइम लगता है चलने में। दोस्तों अभी जो है ये हमारा इंस्टॉल हो गया। दोस्तों हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ से आ गया हमारा आई एक्सेप्टेड टू द यूलिया एंड द डीपीए। यहाँ से दोस्तों हम इसको आई एक्सेप्ट करके कंटिन्यू वगैरह कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ से जिन जिन लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। जैसे दोस्तों अगर आपको अपनी इसके अंदर आईडी वगैरह मांगने के लिए बोलेगा तो दोस्तों यहाँ से आपकी आईडी आ जाएगी, और दोस्तों ये अपनी आईडी किसी को भेज दीजिएगा आईडी पासवर्ड, तो दोस्तों आपसे जो है इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आपका आ गया आईडी और ये पासवर्ड। तो दोस्तों अगर कोई दूसरा बंदा अगर आपकी ये जो आईडी वगैरह डालेगा और दोस्तों आपको यहाँ से एक्सेस कर सकता है आपके कंप्यूटर को या फिर आपके मोबाइल को। ठीक है दोस्तों, जैसे बार बार इसको क्लिक करेंगे तो दोस्तों चेंज होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों कि अब आप समझ चुके होंगे दोस्तों किस तरीके से आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों वो भी बहुत आसान तरीके से। दोस्तों इस बार मैंने जो है अपने कंप्यूटर के अंदर दोस्तों मैंने आपको टीम व्यूअर इंस्टॉल करके दिखाया, ठीक है दोस्तों। तो अगली बार मैं आपको कोई दूसरा एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, जैसे गूगल या फिर कोई दूसरा एप्लीकेशन, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी आती है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।